अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय तो चैनल अक्की क्रिएशंस। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। वैसे जो है ना, मैं ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम मंगवाती हूँ क्योंकि मैंने जब भी मंगवाई है ना तो चीज़ ख़राब ही आई है। तो खैर, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, कहाँ से मैंने मंगवाई और स्टफ़ और एम्ब्रॉयडरी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल में दिखाऊँगी भी, कुर्ते खोल के और बताऊँगी भी। चले जी, अब वीडियो करते हैं थोड़ी सी पीछे और इसकी स्टार्ट से हम करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला पैकेट है ना, वो मैंने सीजर से ओपन कर लिया और अब हम इसमें से निकालते हैं अपने पार्सल। जब मैं ये ओपन कर रही थी तो मुझे बस यही था, पता नहीं क्या निकलेगा, जो मंगवाया वो सही आया या नहीं आया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। लेकिन खैर, वो मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। आपने वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आप सोच समझ के शॉपिंग करें। अच्छा जी, ये मैंने मंगवाई है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम का पेज है इनका मशरूम के नाम से, तो वहाँ से आप भी मंगवा सकते हैं। बाकी डिटेल में रिव्यू जो है मैं आपको इसी वीडियो में सारा कुछ बता दूँगी। तो ये जी, पहले मैंने फ़र्स्ट जो कुर्ता है ये ओपन कर लिया। ये इसका कलर है स्किन ब्राउन सा, इसकी शेड थी। अभी रिंग लाइट की वजह से ना इसका वो सही वाला शेड जो है ना वो ज़रा फीका फीका लग रहा है। अभी मैं आपको रिंग लाइट ऑफ करके भी दिखा दूँगी। साइज़ है जी इसका मीडियम। मंगवाने के बाद जो ना मुझे लगा कि नहीं, मैंने बड़ा मंगवा लिया, मुझे स्मॉल मंगवाना चाहिए था। हेयर वो फिटिंग कर लूँगी अब मैं। अच्छा, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, डिफरेंट सी थी। मतलब दोनों साइड्स पे अलग अलग पैटर्न से जो ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, हाफ अलग मतलब पैटर्न है और हाफ पे अलग पैटर्न है। बैक साइड जो है उसकी बिल्कुल प्लेन है। बाजुओं पर भी जो ना वो इस तरह से सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। वो जो मशीन की कढ़ाई नहीं होती, ये वो वाली हुई है, मतलब हाथ की नहीं है, मशीन की है। स्लीव्स पे बिना सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और जो इसके आगे है ना वो उन्होंने प्लेन कपड़ा लगा दिया हुआ थोड़ा सा वो विड्थ में। और ये है जी रिंग लाइट के बगैर इसकी लुक। और इसका कलर जो ओरिजिनल कलर ना वो इसका ये था, जो पिक्चर में मैंने देखा था। मैं आपको अभी वो भी शेयर कर दूँगी वो कलर क्या था। कलर्स का ना मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जो उधर थे पेज पर वो वाले नहीं आए। तो ये है जिसकी फुल लुक। बाकी जो है ना इसका स्टफ़ जो है वो था, जो कॉटन होती है ना वो है मोटी वाली कॉटन भी नहीं है। मतलब इस मौसम में ना खुले मौसम में पहना जाएगा, बहुत सर्दी में भी नहीं पहना जाएगा और गर्मी में भी नहीं पहना जाएगा। तो बाकी मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी भी करीब से भी सारी दिखा दी है। अब जो है मैं आपके साथ इसकी वो पिक्चर शेयर कर देती हूँ जो पेज पर लगी थी। ये है इसकी पिक्चर। तो मतलब कलर्स का थोड़ा सा जो ना मसला हुआ है वो मुझे फील हुआ है कि कलर्स में ना थोड़ा सा मसला हुआ है जी। अब देख लेते हैं दूसरा कुर्ता भी, इसमें क्या मंगवाया था क्या आया। इस कुर्ते में भी जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस कुर्ते को ओपन करने से पहले जी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन को भी जो है प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन से आ जाए जैसे ही मैं वीडियो लगाऊँ। अच्छा जी, अब करते हैं जी इसको ओपन। ये है जी इसका कलर है ब्लैक, फुल जो जेट ब्लैक कलर होता है ना वो वाला है। और इसके ऊपर जो है ना वो जो तिल्ले की कढ़ाई का होता है ना वो वाली सारी हुई हुई है इसके ऊपर। तो ये है जी इसकी फ्रंट साइड पे जो नेकलाइन है इसकी वो है प्लेकेट बना हुआ है। स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। स्लीव्स पे ना मतलब थ्री समझ लें वो मोटिफ बने हुए हैं फ्लावर्स के। फ्रंट साइड पे टू हैं और बैक साइड पे एक है। और ये है इसकी नेकलाइन प्लेकेट बना हुआ है और साथ ना पाइपिंग हुई हुई है। ये साइज़ भी मीडियम ही है। तो अब जो है ना साइज़ को जो ना हम खुद ही सही कर लेंगे। तो वो तो मैं मान रही हूँ ना कि मेरी गलती है कि मैंने साइज़ खुद ही मंगवाया था, उन्होंने वही भेजना था। बाकी जो उनकी गलती है वो भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, ये भी कुर्ता जो ना बहुत ही प्यारा है, कढ़ाई भी इसकी बहुत ही प्यारी है। ये भी मुझे डिफरेंट सा लगा था। इसकी भी जी बैक साइड जो है बिल्कुल प्लेन है और फ्रंट पे जो दो बड़े बड़े जो मोटिफ है फ्लावर्स के वो बने हुए हैं, रेड और गोल्डन स्किन सी शेड का है। वो तिल्ले का जिस तरह होता है ना, जिसमें थोड़ी सी शाइन होती है, ये वो वाली एम्ब्रॉयडरी हुई है। जो मैंने आपको पहले दिखाया ना वो प्लेन एम्ब्रॉयडरी थी, उसके ऊपर वो तिल्ले वाली जो चमक होती है ना वो नहीं थी, इसके ऊपर है। इसके बाजुओं के आगे भी जी इन्होंने प्लेन कपड़ा लगा दिया हुआ है, थोड़ा सा विड्थ में वो ऐसे कफ वाली लुक आ रही है, लेकिन कफ प्रॉपर कफ नहीं है। तो ये जी मैं आपको एम्ब्रॉयडरी भी इसकी बाजू की दिखा देती हूँ। बाजू पे ना तीन मोटिफ बने हुए हैं। कढ़ाई जो है नो डाउट बहुत नीट हुई हुई है। स्टफ़ भी ठीक है क्योंकि उन्होंने कैमरिक ही लिखा हुआ था, स्टफ़ भी बिल्कुल ठीक है। कलर्स का ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इशू आ गया। इसके साथ ये हुआ कि जो पेज पे लगा था ना वो ब्लू शेड में था ये कुर्ता, लेकिन जब आया तो ये ब्लैक शेड में था। मतलब इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए ना कलर्स का, मुझे ब्लैक कलर का चाहिए नहीं था, लेकिन अब आ गया तो मैं रिटर्न भी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पैसे अब लगाए थे तो ज़ाया तो नहीं करना था, रिटर्न करने वाली चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगती पर्सनली, तो बस फिर मैंने रख ली है जो भी आया है। तो बाकी जो है एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी है इनकी, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बस कलर्स का थोड़ा सा इशू है। तो वो आप लेने से पहले थोड़ा सा जो है इनसे कन्फर्म कर लीजिएगा। जी ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।